Hello folks. So going ahead with my experiences, sharing of my experiences of my UPSC journey with all of you. Today also I would like to express my views, my thoughts over a particular specific question jo ki UPSC ke interview mein pucha jata hai. Aur is question pe main isliye aaj discussion karne wala hu because not only this is the most asked question in UPSC. Also, अगर इसका सही आंसर आपने अपने अंदर से निकाल कर सामने रख दिया तो आपको कभी कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको इंटरनल मोटिवेशन इतना ज्यादा मिल जाएगा इस आंसर से दैट नेवर विल यू फील डीमोटिवेटेड एंड डिप्रेस्ड इन यूपीएससी प्रिपरेशन. और ये सवाल है वाई IAS या वाई सिविल सर्विसेज. स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में उनसे जरूर ये सवाल पूछा जाता है दैट व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ IAS ऑफिसर और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज. और इसमें बहुत मैक्सिमम टाइम्स 99% ऑफ द केसेस वी गो ऑन टू गिव द आंसर इन अ स्टीरियोटिपिकल मैनर सेंटर्ड अराउंड ईदर ऑफ दीज टू फ्रेजेस या तो करियर एस्पेक्ट या सोशल सर्विस एस्पेक्ट. और जब हम ये आंसर दे रहे होते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे वर्ड्स का साथ नहीं दे रहा होता है और वहीं पता चल जाता है कि ये आंसर हमारे अंदर से नहीं आ रहा है, दिल से नहीं आ रहा है, दिमाग से हम लोगों ने कहीं से उठाया ये आंसर, अब्सॉर्ब किया और वहां पुटिंग कर दिया है. एंड दिस लीड्स टू पुअर मार्क्स इन यूपीएससी इंटरव्यू. और मैं बता दूं आपको ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इसका आंसर सब्जेक्टिव रहेगा, डिफरेंट रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी अलग. तो वाई IAS या वाई सिविल सर्विसेज. इस क्वेश्चन पे आगे डिस्कशन करने से पहले आई वॉन्ट टू बिगिन विद अ पॉइंट, विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आवर लाइफ्स. व्हेन वी स्टार्ट डूइंग एनी वर्क और व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग एनी बुक और व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग एनी पेज डू वी पॉन्डर एंड थिंक एंड आस्क आवर सेल्स वाई आर वी डूइंग दिस वर्क. हम क्यों ये पेज पढ़ रहे हैं, हम ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़कर हमें क्या फायदा होगा, हमें ये काम करके हम कहां पहुंचेंगे आगे, क्या हम ये कभी पूछते हैं अपने आप से? नो, 99% केसेस में नो. हम इन सारी जगहों पे किताब उठाते हैं या काम हमें करने के लिए बोला जाता है, हम शुरू करते हैं काम विदाउट गिविंग अ थॉट ओवर इट. इन शॉर्ट हम अपने आप से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और यही छूट जाता है हमारा पैशन उस वर्क को लेकर. तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर हमने नहीं पूछा अपने आप से दैट व्हाई आर वी डूइंग दिस वर्क, वी गेट लॉस्ट इन मिडवे. और आपने देखा हुआ यूपीएससी प्रिपरेशन में भी एवरी 3 or 4 days यू माइट बी फीलिंग डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड. और शायद हर 3 से 4 दिन में हमें लगता है कि हमें कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, हमें कोई आके मोटिवेट कर दे, तभी हम ट्रैक पे रह पाएंगे. हम ट्रैक लूज कर चुके हैं. ये सारी चीजें इसीलिए अकर करती है बिकॉज हम दिल से तैयारी नहीं कर रहे होते, हम पैशनेट नहीं होते हैं. तो YIAS, तो IAS की तैयारी शुरू करने से पहले या सिविल सर्विसेज तैयारी शुरू करने से पहले या प्रोसेस में ही, तैयारी के प्रोसेस में आपको यह सवाल अपने आप से पूछना है. और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं होगा. इसका आंसर सबके लिए अलग अलग होना चाहिए, आपके लिए भी अलग, किसी और के लिए अलग. करियर एस्पेक्ट या सोशल सर्विस एस्पेक्ट के आसपास अगर आपका आंसर सेंटर करेगा सेम वर्ड्स के साथ में, मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैन यू इमेजिन अ यूपीएससी, कैन यू इमेजिन यू आर द चेयरमैन ऑफ इंटरव्यू बोर्ड इन यूपीएससी एंड यू आर लिसनिंग टू द सेम आंसर्स थ्रू आउट द डे, विल यू गिव मार्क्स टू दिस? क्या आप ये मार्क्स दीजिएगा इस स्टूडेंट्स को जो सेम आंसर्स लेकर आ रहे हैं? तो ऐसी जगह पे अलग यूनिक आंसर, आपके लाइफ का आंसर, आपके लाइफ से एक्सट्रैक्ट किया गया उत्तर आपको मार्क्स दिलवाएगा. और इसके लिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा. तो आपका यह भी सवाल होगा कि सर अपने आप से पूछकर मेरा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? तो पर्सपेक्टिव कैन वेरी. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस, अपना वजूद बताने के लिए. क्योंकि कितने टॉपर्स ने, आपने टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ा होगा, उनसे जब यह पूछा गया वाई IAS और वाई यूपीएससी, उन लोगों ने यही कहा मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे अपना वजूद बताना है, खुद को प्रूव करना है खुद के सामने, किसी और के सामने नहीं.
कोई और टॉपर से पूछा गया, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, उन लोगों ने कहा अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स ने हार्ड वर्क किया है, पुट इन किया है एफर्ट्स, जब उन्होंने इतना पुट इन किया एफर्ट्स तो हमें भी पूरा ड्यूटी हमारी है कि हम अपने पेरेंट्स के चेहरे पे एक बार स्माइल ला सके उनकी लाइफ में। तो ऐसी जगह पे जहां अपने वजूद का, एग्जिस्टेंस का आप हवाला दे रहे हैं, हो सकता है यही आपका सही आंसर हो। ऐसी जगह पे जब भी आप डीमोटिवेटेड फील कीजिएगा, तुरंत आपका वजूद आपको अंदर से ललकारेगा, दैट गो एंड सिट बैक ऑन द टेबल, स्टडी, बी पैशनेट, 24 घंटे पुटिंग करना है एफर्ट्स, क्योंकि आपका वजूद स्टेक पे है, आपको खुद को प्रूव करना है खुद के सामने। और अगर आपको पेरेंट्स को लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप डिवोटेड हैं, तो जब जब आप डीमोटिवेटेड फील कीजिएगा, यू विल सी द लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू विल कम बैक टू स्टडी, आपको उनका हार्ड वर्क ही मोटिवेट कर देगा वापस स्टडी टेबल पर बैठकर अपना मैक्सिमम पुटिंग करने के लिए। और अगर इसके अलावा सोसाइटी में सोशल सर्विस करने के लिए आपका मेजर एम है, तो आप डिप्रेस्ड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब जब आप सोसाइटी में प्लाइट देखिएगा, यू विल सी द प्लाइट ऑफ द एक्सप्लॉइटेड पीपल, यू विल कम बैक टू द टेबल टू स्टडी। इन शॉर्ट, आपका ये आंसर जो आप डिराइव कर रहे हैं अपने दिल से पूछकर, वही आंसर आपको मोटिवेट करेगा पढ़ाई करने के लिए, जब जब आपका ट्रैक लूज हो रहा होगा पढ़ाई में, और आपको देखना है आपके लिए सही आंसर क्या है। और एक चीज याद रखिएगा, दे आर वेरी सीनियर पीपल सिटिंग इन द यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड, दे विल स्कैन एवरीथिंग इन योर आंसर, आपके शब्द और आपका बॉडी लैंग्वेज साथ दे रहा है कि नहीं। और इनफैक्ट जब आप तैयारी कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि मुझे क्यों ये तैयारी करनी है, मुझे आईएएस क्यों बनना है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज इनफैक्ट आपका साथ देना शुरू कर देगी। 24 घंटे आप पैशनेट हो जाइएगा पढ़ने के लिए, आपको कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना डायरेक्शन पता होगा, आपको पता होगा कि 2 साल में आपको अपना वजूद अपने आप के सामने प्रूव करना है, या आपको अपने पेरेंट्स के लिए अपना वजूद प्रूव करना है, या आपको सोसाइटी के लिए अपना वजूद प्रूव करना है। और इन सारे केसेस में मैं बस इतना बोलूंगा दैट प्लीज डू आस्क योरसेल्फ बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, प्लीज डू आस्क योरसेल्फ बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, प्लीज डू आस्क योर हार्ट नॉट द माइंड, बिकॉज हार्ट विल गिव अ ट्रू आंसर, एंड प्लीज डू लिसन टू योर इंटरनल वॉइस, सिट बैक, पॉन्डर, सोचना शुरू कीजिए, खुद से इंटरेक्ट कीजिए, देखिए आप क्यों चाहते हैं इस एग्जाम को पास करना, देखिए आप क्यों चाहते हैं आईएएस बनना, और फिर देखिए ये प्रोसेस एंजॉयबल हो जाएगा। जब जब प्रोसेस में आप ऑफ ट्रैक जाइएगा या डीमोटिवेटेड फील कीजिएगा, आपको आपका एम, आपका पैशन वापस स्टडी टेबल पे भेज देगा। अगर आपका मोटिवेशन इंटरनल रहेगा तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगा, आपको पता होगा कि मुझे ये तैयारी क्यों करना है, आपको पता रहेगा कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, आपको पता रहेगा कि मुझे आईएएस बनकर क्या करना है। और अगर और वो रास्ता है कि हर काम को करने के पहले, किसी बुक को पढ़ने के पहले, किसी क्वेश्चन को आंसर करने के पहले, कम से कम 2 बार सोच लिया कीजिए मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं साइंटिफिक रीजनिंग। You will qualify to become an IAS officer. So I hope you got the crux of the discussion. अगले सेशन में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में। थैंक्स अ लॉट।